आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 28 नवंबर की शुभदान की। देखा जाए तो ये जो समय चल रहा है, इस समय में अगर हमें पता चल जाए कि हमारा पास्ट क्या रह चुका है, इस जन्म का ही नहीं कई जन्मों का पास्ट क्या रह चुका है, भूतकाल जिसको कहते हैं, और भविष्य क्या होने वाला है, अगर ये राज अगर आपको पता चल जाए तो आपका आज से ही निर्णय परिवर्तन हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं और भगवान की जो सोच होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। आज कलयुग में, इस आयरन एज में, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, हम ये करेंगे, ऐसे बनाएंगे, वैसे करेंगे, हम ये करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग चलती है। क्या वो प्लानिंग आपकी और मेरी परमात्मा की प्लानिंग के साथ में चल रही है कि हमारी अलग चल रही है? तभी कहते हैं ना अंग्रेजी में, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि मैन अपने सोचता है लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान होता है। तो क्या हम अट्यून्ड हैं, क्या हम सिंक्रोनाइज्ड हैं उस प्लान के साथ में? आज हम उसको समझेंगे कुछ पहलुओं को लेकर के। हम गहराई में तो जा नहीं सकते 7-8 मिनट में, जो कि आप जाकर के ब्रह्म कुमारी सेंटर में और गहराई समझ सकते हैं। त्रिकालदर्शी का कुछ कंसेप्ट आज हम बात करेंगे, जिसमें कि आप पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं तीनों कालों को समझ करके कैसे बिहेव करूं ताकि मेरा भविष्य काल बेटर हो जाए। तो इसमें परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में कि कल्याणकारी समय, अभी का समय क्या है, कल्याणकारी है। कलयुग सोचेंगे तो कल्याणकारी नहीं है, लेकिन ये संगम युग चल रहा है जहां पर हमें विजडम के साथ में संगम हो रहा है और विजडम देने वाले परमात्मा के साथ भी संगम हो रहा है आपका। और फिर आप मेडिटेशन, जिसको हम राजयोग कहते हैं, जो कि भगवद गीता में लिखा हुआ है, जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और चीजों के ऊपर कंट्रोल करने का, उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जो सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारी इसमें। तो उसकी भी चर्चा हम थोड़ी थोड़ी हर वरदान में करते हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए ब्रह्म कुमारी सेंटर ही है। तो आज के वरदान में परमात्मा कहते हैं कल्याणकारी समय की स्मृति से याद रहे कि कौन सा समय चल रहा है। अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भवा, कि हमारा भविष्य क्या है, इस समय जो मैंने बीज बोया वो मेरे भविष्य में फलीभूत होगा ही होगा। अब उस बीज में मैंने अगर कीड़े डाले हुए हैं तो कैसा होगा, अगर उस भविष्य के संकल्प में मैंने फूल उगाए हुए हैं, कांटे या फूल, कीड़े या उसके अंदर मैंने खूबसूरत चीजें डाली हुई हैं, खाद डाली हुई है, तो क्या आएगा? परमात्मा कहते हैं कि आप जो अभी बोते हो उसका फल आपको आगे मिलना ही मिलना है। तो क्या हम कॉन्शियस हो जाएं तीनों कालों के बारे में, ताकि हमें समझ आए कि हमारा भविष्य कितना अच्छा है? लेकिन वो तभी अच्छा हो सकता है जब हमें गाइडेंस मिल रही हो, विजडम मिल रही हो, और हम उस विजडम के अनुसार चल रहे हों, क्योंकि हर समय की विजडम अलग है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर समय में अलग अलग विजडम्स थी। इस समय सबसे ज्यादा विजडम चाहिए, क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा एंग्जाइटी, सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स में इश्यूज, तनाव, और ये सारी चीजों के कारण आज इंसान विजडम से दूर जा चुका है और भौतिकता, उसको मेटीरियल वर्ल्ड कहते हैं, उससे चिपक चुका है, या उसके अंदर कंप्लीटली 100% एक दलदल के अंदर फंस चुका है। तो आज परमात्मा कहते हैं कि यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, जो लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के 7 डे कोर्स करते हैं और उसको गहराई से समझते हैं और उसी चीज को आगे अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे अगर कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। ये तीनों कालों को आपको दिखा दिया परमात्मा ने, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों चीजों में अगर आप कहें जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ये तभी बोल सकते हैं आप जब आपके कर्म ठीक है। और कर्म कब ठीक होते हैं, जब हम एक श्रीमत पर चल रहे होते हैं, हाईएस्ट गॉडली गाइडेंस के हिसाब से चल रहे होते हैं। अपने मनमत पे, अपनी मनमर्जी से चलना अलग बात है, औरों के सुन करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए चलना वो अलग बात है, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा का डिजाइन किया हुआ ये ड्रामा है, परमात्मा की रचना है, उनके अनुसार चलना अलग चीज है। तो दुख कम होगा, अपने अनुसार चलेंगे दुख बढ़ेगा, औरों की सुन करके चलेंगे बहुत ज्यादा तो भी हो सकता है आपको दुख पड़े, लेकिन अगर और लोग स्वयं परमात्मा के गाइडेंस पर चल रहे हैं, अगर आपको वो गाइड करें तो आपके अंदर दुख या अशांति आने के कम चांसेस होते हैं।
लेकिन हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट परमात्मा से गाइडेंस मिलना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं जिनको ये तीनों चीजों का पता होता है, आप कहेंगे कैसे हो सकता है, पास्ट में मेरे साथ में किसी ने तो बुरा किया था, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा धन लूट लिया, किसी ने मेरा रातों की नींदें उड़ा दी, किसी ने मेरी जॉब छीन ली, किसी ने मेरा बिजनेस की डील मेरे से छीन ली, ये कैसे अच्छा हो सकता है। परमात्मा कहते हैं कि जो चीजें, जो राज है जो मैं जानता हूं, वो आप तभी जान पाओगे जब आप इस विद्या को लगे, आपको पता चल जाएगा गहराई से, क्योंकि हम इन दो आंखों से और ये जो हमारी पांच कर्मेंद्रियों से हम देखना चाहते हैं कि मेरे पास में आज बैंक में धन है तो मैं आज सक्सेसफुल हूं, मैं ठीक हूं, कल कम हो गया तो बुरा हो गया, और जिसने मेरे साथ बुरा किया वो और भी बुरा इंसान हो गया। तो हम बुरा करते करते हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, हम अभिमन्यु जैसे उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अभिमान में कि देखो मेरा बुरा उसने कर दिया, मेरे साथ गलत करते हैं लोग। और परमात्मा चाहते हैं कि हम विजडम के द्वारा हम इन आंखों से और पांच कर्मेंद्रियों से चीजों को समझने से अच्छा है छठी इंद्री से, जिसको कहते हैं आत्मा, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ही स्पर्श से और आत्मा के जीवन काल से हम अगर देखें मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसे मेरे साथ ये क्यों किया, और फिर मुझे अभी क्या करना है ताकि वो चीज मेरे साथ रिपीट ना हो, और फिर जाकर के मेरा भविष्य और अच्छा हो जाए। ये विजडम आपको ब्रह्म कुमारी इसमें हर दिन मिलती है एक ऐसे महावाक्यों के द्वारा जिसको हम कहते हैं मुरली। मुरली होगी आपके कानों के लिए सिर्फ नहीं, आपकी आत्मा को स्वच्छ बनाने वाला ऐसा संगीत जिसको हम ज्ञान का संगीत कहते हैं, वो मुरली है। ये वरदान भी मुरली से ही पढ़ा जा रहा है। तो ये है आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस एक्चुअली। फिर परमात्मा कहते हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, जो समय चल रहा है कल्याणकारी है, क्योंकि विजडम मिल गई अब हर चीज कल्याण की होने वाली है। बाप हमारा कल्याणकारी है, वो हमारा भला ही करेगा, और हम विश्व कल्याणकारी हैं, हमें औरों को भी गाइड करना है, उनका भी कल्याण करना है, और तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। इसको कहते हैं बुराई में भी भलाई देखना। ये अगर नजरिया मिल गया तो चिड़चिड़ापन, क्रोध, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चीजें ये जो है आज संसार में चल रही हैं, अगर ये नजरिया मिल गया कि बुराई में भी अच्छाई देखना, विजडम के द्वारा, अंदर की आंखों के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा, आत्मा की नजर के द्वारा, ये अगर आप ज्ञान ले लेते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाकर के, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसके साथ ओम शांति।